टीवी वन के निहाय दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन पर क्लिक करें। हाउ यू बिन मिस्टर <laughs> we'll get into <laughs> We get into into that. that. We will उसके साथ माइफ आई एम इम्प्रेस विद न्यू लुक कॉन्ट वेट फॉर दिसाट थैंक यू हेलो असलाई नेम इज हसन चौधरी यूर वॉचिंग द बिग पिक आई होप विशन pray, आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं आज का शो शुरू करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी ख़बर के साथ सजल अली और अहद रज़ा मीर के फैंस को बल्कि वो सब लोग जो पाकिस्तानी ड्रामे शौक से देखते हैं उन सबको एक बड़ा धचका लगा जब सजल अली ने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने नाम के साथ जुड़े आहद मीर का नाम हटा दिया आ, सजल और आहद को लेकर कुछ र्यूमर्स पहले ही गर्दिश कर रहे थे अर्लीअर दिस ईयर सबूर की जब शादी हुई आहद वहाँ पर मौजूद नहीं थे उसके बाद भी काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे और सोच रहे थे और पूछ भी रहे थे ये सवाल भी उठा रहे थे कि क्या आहद और सज्जल के आपसी तलुकत ठीक हैं या नहीं अनफॉर्चुनेटली अब चूंकि सज्जल ने आहद का नाम अपने नाम के साथ हटा दिया है मेरी नज़र में दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन और हमें मुसदा ज़राए से ये बात अलग से भी पता चली है कि उन दोनों का रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था यानी कि अब उनकी शादी नहीं रही दिस इज़ इन डीड अ रियली सैड न्यूज़ और मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी नहीं बल्कि ट्रोलिंग है और इस मौके के ऊपर जब ये दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग और टफ़ वक्त है उस पे भी लोग दूसरे नामों को बीच में ड्रैग कर रहे हैं बजाय ये कि आहद और सज्जल के सपोर्ट में कुछ अल्फाज लिखें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये हुआ किसकी वजह से क्या इसके लिए आहद रिस्पॉन्सिबल है या क्या इसके लिए सज्जल रिस्पॉन्सिबल है जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बात यह कि आपका इंटरेस्ट एक बड़े सेलिब्रिटी कपल में समझ में आता है उनकी शादी में आपका इंटरेस्ट भी समझ में आता था और आपका ये इंटरेस्ट कि उनकी अब तलाक हुई है या नहीं हुई वो साथ हैं या नहीं है उसमें भी आपका इंटरेस्ट समझ में आता है बट बियॉन्ड दैट अगर सज्जल ने किसी तरह से आपको ये इंडिकेशन अब दे दी है कि उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले था तो जस्ट टेक दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेस इट एंड मूव ऑन वो ये वक्त उन दो लोगों के लिए वैसे ही बड़ा चैलेंजिंग और ट्रामेटिक है जैसे मैं पहले कह रहा था सो so, इस मौके पर आपका जो फ़र्ज बनता है वो सिर्फ इतना बनता है कि आप उनके लिए नेक तमन्नाएं भेजें दुआएं भेजें और घर बैठ के भी यही दुआ करें कि आपके फेवरेट स्टार्स हमेशा खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में ढेरों तरक्की आए और सुकून रहे जहाँ पर हमें ये सैड न्यूज़ मिली पिछले ही हफ्ते हमें एक ख़ुशी की खबर मिली जब आसिम अजहर और मीरब अली ने अपनी इंगेजमेंट अनाउंस की इस मौके पर भी आसिम और मीरभ के लिए अपने दुआएं भेजने के बजाय लोगों का फोकस इस तरफ चला गया कि ये मंगनी हुई कब थी वट डज इट मैटर इस बात से फर्क क्या पड़ता है लोगों ने मीरब अली की वालदा के इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट के ऊपर फेक डेट लगा दी उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया फेक मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आसिम और मीरब दोनों ने इस बात की तरदीद की कि वो स्क्रीन शॉट फेक था तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें और मूव ऑन कर जाएँ और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करें तो दोबारा आसिम और मीरब को बहुत बहुत मुबारक हो सेंडिंग लॉट्स लॉट्स ऑफ ऑफ लव एंड प्रेयर्स एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर लगता ऐसे है ऐसे कि पिछला हफ्ता न्यूज हैवी था हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी हमारे मुल्क के दो बड़े सुपरस्टार्स उन्होंने अपना एक जॉइंटली परफ्यूम और क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है कास्ट एंड क्रू इन कोलैबोरेशन विद ऑफ कोर्स जे डॉट इसका इवेंट कराची के फ्रेयर हॉल में हुआ बहुत बड़ा इवेंट था अगर मैं और उसकी जो गेस्ट लिस्ट है बड़ी तवील है अगर मैं एक एक गेस्ट का नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद पूरी रात बीत जाए बट आपको सिर्फ रेस्ट शोर्ड ये बताना चाहूंगा एंड आई एम श्योर अभी तस्वीरें भी चल रही होंगी मुल्क का कोई ऐसा बड़ा अदाकार या बड़ा नाम नहीं था जो कराची में था और इस इवेंट में मौजूद नहीं था सो so, हमायूँ ने पहले भी आपको पता ही होगा कई साल पहले गालिबा बीस साल पहले अपना एक क्लोदिंग ब्रांड लॉन्च किया था उनकी रिटेल आउटलेट्स थी फॉर वॉट एवर रीज़न वो उनका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ नहीं हुआ बट अब वो दोबारा इस फील्ड में आए हैं और उनके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है और उनके पार्टनर अदनान सिद्दीकी एक बड़े ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनैलिटी है सो विशिंग हुमायूं एंड अदनान सिद्दीक़ी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस बिजनेस वेंचर मुझे उम्मीद है कि वो जो काम भी करेंगे पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ करेंगे और अच्छा ही करेंगे पिछले हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हमने बहुत तारीफ की लगता है उन्हें वो तारीफ रास नहीं आई अनफॉर्चुनेटली तीसरा टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए इसके बावजूद के दो पहले के पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस ड्रॉ किए थे और बल्कि दूसरा तो जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे उसको ड्रॉ करना ऐसा लग रहा था कि नामुमकिन होगा बट वो भी उन्होंने मुमकिन कर दिखाया तो इसलिए आखिरी मैच के हारने पर गो आप भी बहुत गमजदा होंगे हम लोग भी काफ़ी सैड तो हैं ही लेकिन नाउ इज़ द टाइम टू सपोर्ट आर क्रिकेट टीम इसमें बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़के बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं जो कि उभर कर सामने आ रहे हैं अगर आज हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को वो भी अपने जान मार के नहीं खेलेंगे तो इट्स ओके okay, खेल है हार जीत होती रहती है आपने अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अप रखना है ताकि हमारे प्लेयर्स का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हाई रहे और उनको हम सपोर्ट करते रहे सो so, जो भी हो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिंदाबाद जहां बाकी लोगों से जुड़ी इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा द बिग पिक से जुड़ी लेकिन उससे पहले कि आपको इंफॉर्मेशन दूं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है तो आपने ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बिल्कुल नहीं घबराना रमजान की मुनासिबत से बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आप देखेंगे टी वी वन के ऊपर सो so इसलिए द बिग बिग फिलहाल चार हफ्तों के लिए एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जा रहा है लेकिन जैसे मैंने आपको कहा घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात होगी इन ईद के ऊपर और आज का एपिसोड आपने ऑफकोर्स देखना ही है पूरा तो इस छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करूंगा हमारे आज के गेस्ट के साथ जो कि एक जबरदस्त अदाकार तो हैं ही बट एक बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी के भी मालिक हैं जब आप उनसे मिलेंगे तो आप भी मिलकर ये बात जरूर इसकी तइद करेंगे और उस कॉन्वर्सेशन को बहुत इंजॉय करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन माई नेम इज हसन चौधरी यू वॉचिंग द बिग पिग कहीं जाइएगा मत मेरे आज के गेस्ट हैं उमेर राना इससे पहले कि मैं उन्हें दावत दूं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिज़ लाइफ 1978 में उमैर राना अल यू ए में पैदा हुए आ, अपने ज़िंदगी के बचपन के लड़कपन के तेरह साल उन्होंने वहीं पे गुजारे जब वो छोटे थे वो कहते हैं कि वो बहुत खौफजदा और शाए थे शाए तो शायद हों खौजदा क्यों थे ये जब वो आएंगे तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे 1991 में गल्फ़ वॉर के बाद वो अपने भाई और वालदा के साथ पाकिस्तान मूव कर गए पाकिस्तान में भी बिलखसूस घड़ी शाहू लाहौर और, और वो कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान आए लाहौर आए तो उन्हें लाहौर से इश्क हो गया लाहौर से इश्क के साथ साथ एक और चीज़ से जिनसे उन्हें बहुत लगाव था वो था थिएटर जब वो यू में थे वहाँ पे वो अपने स्कूल और कॉलेज के साथ थिएटर परफॉर्म करते थे उन्हें बहुत पसंद था थिएटर के साथ उनका यह सिलसिला दो हज़ार में मज़ीद Uh, गहरे ताल्लुक में तब्दील हो गया जब उन्होंने अपनी थिएटर प्रोडक्शन uh, करना शुरू की करीब 20 सालों में लगभग सात थिएटर प्रोडक्शंस वो कर चुके हैं आजकल आप उन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यके बाद दीगरे बेहतरीन कैरेक्टर्स और बेहतरीन ड्रामों का हिस्सा वो बनते आ रहे हैं आए आपकी मुलाकात कराते हैं प्लीज जॉइन मीन वेलकमिंग उमेर रानाकुमें थैंक यू फॉर कमिंग प्लीज है I, are, are we not expecting anyone else, right? Uh, would you want me to get तो someone? नहीं तो मैं फैल के बैठ सकता हूँ। हाँ, फैल के बैठे। सोफा में बड़ा कर लेना चाहिए मुझे लगता है। I know, हैं. yes, we can lie तो down, जगर, we can have a session, हाँ, you know, psychological therapy session. How have you been, Mr. Mehrana? I've been fine. Depends on what the timeline you're putting it, but I've been fine. <laughs> <laughs> we'll get into that. We will get into that. Um, Umair, मैं देख रहा था आपकी जो फिल्मोग्राफी है। Right now, है ना? हम, हाँ का मैं हम आपको देख रहे हैं कहा के सच्चे थे में उससे पहले हमने आपको देखा एज जुल्फी इन दिल न उम्मीद तो नहीं उससे पहले हमने आपको देखा प्यार के सदके में एक कंप्लीटली डिफरेंट रोल

मुझे हमेशा जब फोन आता है ना कहते हैं भाई आपसे ड्रामा करवाना है वो टिपिकल सेल्स पिच एक होती है पता चल जाता है खैर तो पहला सवाल होता है कि अवेलेबल है आप तो दूसरा फिर सवाल होता है पैसे कितने लेंगे फिर कहानी आती है कि जी प्ले क्या है लोग कौन है किरदार क्या किरदार आप ही हैं आप ही हैं अभी मैं कैमियो यू भी हूँ बस आप ही के ऊपर है मेरा हमेशा उल्टा होता है तरीका मैं होता है कि भाई पहले मुझे कहानी समझाओ क्या है फिर मुझे बताओ किरदार क्या है आई डोंट स्क्रीन टाइम मैं ये कह रहा कि किरदार की कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है इसके arc क्या है What's the room? तीसरा फिर, फिर कहता <laughs> तो अब बताओ मैं अब मैं डेट शायद निकाल भी लू और मैं पैसे उसके हिसाब से फिर मांगूंगा आई I मीन mean, अगर कोई बहुत ही चीज वैसी वैसी है तो नसीिरुदीन शाह ने दफा मेरे पूछा कि तिरछी टोपी वाले भी आपने क्या इजाजत दी आप

मैं एक पर्टिकुलर रोल था जिसके लिए मैंने फिल्म का था बल्कि आफिया बी द दिलन डेट्स क्लाश थी मैं उसी वक्त तमन्ना शूट कर रहा था साथ के साथ तो फिर मैंने कहा था क्या कोई भी हेल्प चाहिए आफिय, तो उसने कहा था एक कैरेक्टर है जरा खान तो उस लिटरली एक दिन का काम है दो तीन सीट आई मनी फॉर इट लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए उसने

Funny you mentioned that. Singh और संगे का जो प्रोजेक्ट था ना इन माई वियर पहली दफा उठाया और, मुस्तफा मुस्तफा और उसमायर I mean, हमारी है तो मैंने, आ, आंगन भी किया फिर उसको मैंने मुस्तफा को मैंने कहा ला ले कैरेक्टर मैंने कहा अच्छा

बहुत बड़ी कास्ट नुमान एजाज साहब सानिया सईद साहिबा आतिफ असलम को हम देख देखें समिया मुमताज़ साहिबा तो आपने सोचा नहीं यार कि मैं ये रोल कर रहा हूँ और अभी तक जितनी किस्तें आई हैं उसमें आपका रोल है तो सही बट यू आर नॉट ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम सो एक वो स्क्रीन टाइम uh, वाला भी एक फैक्टर होता है एक्टर्स को पता नहीं आपको बोधर करता है या नहीं करता आप थिएटर के आदमी शायद आपको इतना बॉडर ना करे बट ये सारे ख्यालात नहीं आया आपके नहीं नॉट एट ऑल ऑन द कंट्री ये सारे प्लस चीजें मेरे लिए अच्छा मुझे जब होके एक प्रोजेक्ट में ये नाम हो तो फिर आई मीन आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आई मीन यही वाइब चाहिए यही एक और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है संगमरमर में भी यही था एंड आई श्योर यू कि संगमरमर की एक कामयाबी की बहुत बड़ी वजह थी जो हम सब की ऑफलाइन, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी और हम सारे हॉस्टेलाइट की तरह इकट्ठे बैठ के मेरे मैं ग्रीन टी बना रहा होता था, था सबके लिए कावा चलता था खाने के बाद, फिर और मजा, और पता नहीं क्या. इसमें भी ये नाम जब I mean, और, करियर और सॉरी uh, क्राफ्ट की जो बात है ना सोच आई भी नहीं अभी तक नहीं आई है आई वो सो इन टू मस्तान एंड एंड लाइफ ट्रैक स्टोरी मुझे नहीं ख्याल के क्या कंपैरिजन है नहीं आई आई डोंट डोंट हैव कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बात थी मस्तान के बारे में जो आपको जिसने बहुत ज्यादा इंटाइज किया ये किरदार करने की वो क्या थी ये एक लीनियर uh, कैरेक्टर नहीं है ये एक फ्लैट कैरेक्टर नहीं है और इसकी एवोल्यूशन जो है वो इतनी एक बम है एक लावा है जो अंदर दबा हुआ है जो एवोल्यूशन हो रहा है दी आर्क वी टॉक अबाउट तो वो हो रहा है और वो नजर आता है और वो कहानी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है लेकिन जस्ट मस्तान सिंह हिमसेल्फ मुझे इतना पसंद आया कैरेक्टर जस्ट हिमसेल्फ यार एक एक सिख एंड अगेन मुझे बार बार लोगों को बताना पड़ता है कि अक्सरियत सिखों की पाकिस्तान में पख्तून पख्तून सो एक सिख जो एक इस कम्युनिटी में है उसकी सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट फिर इंडिविजुअली उसकी क्या सिचुएशन है उसका एक क्या एक मंगेतर पुरानी काइंड वो एक एलिमेंट चल रहा है उसकी एक रिलेशनशिप डायनामिक जो बॉस के साथ भी सानिया सईद और उनके जो Indeed. कुम्बे के साथ चल रहा है यू you नो know, तो हर एक स्केल पे सोसाइटी के उसकी क्या रिलेशनशिप्स हैं एट द कोर वेट इट्स हिम वो क्या है वट डज ही वॉन्ट और एक चीज़ जो मुझे आई लव्ड अबाउट इट जो कि सिक्खी के साथ भी है और मेरे दीन के साथ भी है वो हक की बात है वट डज़ ही वॉन्ट ये बड़ा पर्टनेंट सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये कहानी जब खुली शुरू हुई जहाँ से तो वो एक इंट्री वैल्यू वहीं से बिल्ड हो जाती है कि यार कि ये ये गुरुद्वारा पे आया हुआ है यहाँ पर ये अपनी इबादत के लिए आया हुआ है इसकी मंगेतर है यहाँ पर लेकिन जब वो वापस जाता है और अपनी मालकिन मालकिन अगर कहें तो उनसे जब मुलाकात होती है तो वहाँ पर भी एक कोई डायनामिक चल रही है

You, मैं इतना कह सकता हूं कि मस्तान सिंह के किरदार उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो आखिर तक चलेगा और पूरी कहानी वो तो चलेगा चलेगा जो उसकी जिंदगी से रिलेटेड सब चलेगा और ये आपको नियर दी एंड आहिस्ता ये पील होगा रिवील होगा कि क्या था अच्छा वो था ओ माय गॉड अच्छा रियली अब फिर क्या करेगा अच्छा ये हो गया मस्तान सिंह की कहानी बिल्कुल इंटरट्वाइंड है तो उम्मीद तो नहीं जो कि टी वी वन पे ही चला अगेन uh, फैंटेस्टिक ड्रामा और उसमें भी जो आपका रोल था जब जब उस वक्त मैं आपसे मिला था तब भी मैंने ये सवाल पूछा था कि ये जुल्फी क्या, क्या चाहता है चाहता। uh, so आप ये कैरेक्टर्स पिक करते हैं जिनका देर नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड Uh, और उनका आर्क होता है तो ये एक थिंकिंग एक्टर की भी आई थिंक निशानी है कि आप वो कैरेक्टर उठाते हैं कि जिसका कोई ना कोई आर्क हो नहीं मीन आर्क देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टर का एक वांट होना चाहिए दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इसकी डिजायर क्या है जिंदगी का अगर उसको वांट नहीं है तो कैरेक्टर नहीं हो वो कैरेक्टर नहीं, नहीं वो टेबल है यू नो दैट्स व्हाट इट इज फर्नीचर सो एक वांट क्लियर होनी चाहिए दूसरा फिर यही होना चाहिए कि यार कहानी में क्या सुपर ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं कि कहानी में कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है

You know, so स uh, में, में कह दिया था साइन नहीं कर रहा अच्छा और मेरे लिए पॉजिटिव कैरेक्टर पकड़ना था या कोई ऐसा जो कि नॉन नेगेटिव हो और वो मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि हमें अक्सर और बेश

करिए तो तो करना पड़ेगा फिर उनको कहा कॉन्ट्रैक्ट भेजे मैं लकीर फकीर उस तरह का प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट 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 में रहता था मुझे, आ, मुझे फोन आया कश फाउंडेशन से हम एक एजुकेशन पर कॉन्फ्रेंस करें मैं course, again, money, bono, चाह रही हूँ ना इसको शेयर करें मैंने लाहौर जाने का फैमिली इतना रसा हो गया था मैंने फिर इवेंचुअली फोन करके नहर पे मैं गाड़ी चला रहा था remember, मैं बात कर रहा था एंड इज गोइंग टू जौहर टाउन और मैंने कहा कि जी आ, माजरत 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 इतना डिले हो गया कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं आया ये नहीं हुआ आई कॉन्ट डू दिस प्रोजेक्ट तो किसी तरह वो मैंने प्रोजेक्ट को ना की तो मैं वहां पहुंचा कॉन्फ्रेंस हुई एजुकेशन के ऊपर थी मैंने बात कर दी और उनको हेल्प किया फैसिलिटेट आखिर में मैंने कहा कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है तो फिर मेरे पास आई कहती हैं कि उमेर एक ड्रामा करें

That's तो से it. पता ही नहीं, था। नहीं, था। नहीं था। मैं that's और आखिर तक फिर हम रिवील डू आपने uh, दिल ना उम्मीद तो नहीं का इंपैक्ट फील किया जब ये ड्रामा चला बहुत, बहुत ये एक वाहिद, वाहिद तो नहीं उन चंद ड्रामे टीवी के ड्रामों में से है जो मेरे दिल के बहुत करीब है होल uh, प्ले आपको बाजूत अपने किरदार से इश्क हो जाता है आपको अपने ट्रैक से इश्क हो जाता है आपको किसी डायलॉग या इश्क हो जाता है लेकिन ये उनमें चंद चान्द शायद हैं मुझे ख्याल भी नहीं आ रहा उसके मुकाबले पर और कौन सा है आई लव दिस इंटायर प्रोजेक्ट और मैंने बहुत लोगों को कहा है जो कहते हैं आपको हमने प्यार के सद के देखे मिसाल के तौर तो पर मैं उनको हमेशा कहता हूँ दिल नौमी तो नहीं जरूरत देखे और जिस जिसने देखा है वो अशश करता है सो दैट इज कि अनफॉर्चुनेटली हम रैट रेस में ना पॉपुलर को ऊपर रख, right रख रहे हैं hmm. हम ये दिखा रहे तो नहीं टेस्ट नहीं मैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि कि लोगों ने आपसे पूछा होगा कि प्यार के सदके में हमने आपको देखा है और आपका आई थिंक हम कहाँ के सच्चे थे काम्यो शायद ज्यादा लोगों ने देखा हो जितना दिल ना उम्मीद तो नहीं पूरा लोगों ने देखा होंड ऑफ ट्रू इट इज प्राउ डू लुक एट दिसमिक एक ड्रामाज मुझे ये पता हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ड्रामा को रिव्यू करते हैं और दिलना उम्मीद तो नहीं जब चल रहा था मुझे मैंने बनाया नहीं था मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसकी टीम के साथ बट मुझे गम आता था कि यार क्यों नहीं देख रहे लोग क्यों नहीं देख रहे और आपके ख्याल में ये क्या वजह है कि जब क्वालिटी कंटेंट हम प्रोड्यूस करते हैं बना लेते हैं पैमरा से नोटिस आ जाता है लेकिन <laughs> लोग फिर भी नहीं देखते इसकी क्या वजह है वेल <laughs> well, दो अप्रोचेज हैं पहली बात तो जस्ट ऑन इंडिविजुअल सेल्फ आई वॉज मई आई वॉज वेरी फ्लाटर्ड मुझे बहुत आई I मीन mean, अभी भी सोच के आई लाइक पाओ अच्छा वाक़ वही कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी तो क्योंकि फारूक दादा दादाजी फारूक भाई ने मुझे कहा कि जानी दो किरदार हैं दो ऑफर मुझे किए आई वेंट फॉर द कैमियो वो कहते मैं भी चाहता हूँ कि तुम यही करो अच्छा मैंने कहा परफेक्ट दूसरा कौन सा था बताना पसंद हाँ दूसरा एक <laughs> तो मैंने कहा नहीं मैंने वो नहीं करना आपको पता है मैंने ये करना है मैंने कहा डन एक ही और मेल के दार थे बट ऑब्वियसली मेल ही होगा हाँ ठीक है <laughs> ये वाज बी लेट्स प्ले कसौटी खेल सकते हैं <laughs> इसमें मर्द की किरदार कह सकते हैं नहीं मैं समझ गया कौन सा ऑफकोर्स तो मैंने फिर आई चोज दिस वन और मैं जब गया फिर हमने किया सीन पहले हमने

सिगरेट्स हाई क्वालिटी बट लो ग्रेड हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस जो हैं एंटरटेनमेंट की हम जो कहते हैं या करते हैं जिस तरह बैठते हैं या पहनते हैं जो जबान इस्तेमाल करते हैं उसका असर देरपा होता है और गहरा होता है जनरेशन पर जाता है लिहाजा हमारा हाई क्वालिटी होना कि लोग जो चाहते हैं वो दिखा दो या कह दो शुड नॉट बी द प्रायरिटी हमारा हाई ग्रेड होना शुड बी प्रायरिटी लिहाजा दिल नाउमी तो नहीं hmm. फॉमी चेक ये है कि आप हाई ग्रेड को सेलेबल बना ले किसी तरह आई मीन बकवास लोग बेच देते हैं नहीं लेकिन आपने संगे संगम बना दिया हाँ. गुण। yeah, yeah. गुण गुण। को आपने सेलेबल सेलेबल बना बना दिया बना दिया इंटरेस्टिंग सो इट इट कैन बी अचीव्ड चीजें होती हैं जो आपको गलत खींचती है या लालच है एट एनी लाइज थिएटर्स के साथ आपका बड़ा ही गहरा तालुक है जब आप बच्चे थे तब से आप थिएटर करते आ रहे हैं और फिर जब आप बड़े हुए तो आपने थिएटर कंपनी ही बना डाली बन गई और 60 के करीब आपने 58 59 60 हो गए 60 थे, हो गए आप कोविड so. की वजह से थोड़ा आई थिंक ब्रेक कोविड में तो रुक गया था रुक गया तो बिग नंबर

दूसरों की परमिशन के बगैर में से बहुत सारे एक्टर्स पर्टिकुलरली लेकिन सेलिब्रिटीज जनरली बहुत वनरेबल लोग होते हैं बहुत वर्नरेबलोथेरापी इन साइकोलॉजी दे सीक अप्रूवल फ्रॉम पीपल तो अपने आप को इतना एक्सपोज करते हैं और उनको थोड़ी सी वही जैसे हमारे जनरेशन में खासतौर पर सोशल मीडिया पर आ गया है जितनी लाइक्स मिलती है उतनी है ना खुशी मिलती है hmm. लेकिन इतनी ही वर्नरेबल लोगों को जब कोई एक छोरा लगता है ना वो उनको उतनी ही उतना ही गुना तकलीफ होती है ट्रू सो so, हम जैसे लोग जो हैं जो कि बहुत शाये होते हैं या टिमेड होते हैं अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं किसी ना किसी जगह हमें कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम उसको दोनों हाथों के हम टांगों के साथ भी पकड़ लेते हैं कि बस यही है आई थिंक द लिटल और उसमें मुझे फिर ये मौका मिला साथ ही साथ थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक आई नो वे इट केम फ्रॉम आई लाइफ टू थिंक अबाउट इट एक बहुत um, Uh, क्या कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव हायर ऑर्डर हायर नोबल कॉज ड्रिवन किस्म का एक शख्स था मैं तो मेरा हम थिएटर मैंने इसलिए भी नहीं छोड़ा क्योंकि लाहौर में माशाल्लाह सब अच्छा थिएटर कर रहे थे मज़ेदार था थिएटर जब हम करते हैं अहमद अली पट था वासे था फवाद था जैन अहमद यहाँ कर रहे हैं एवरी वन एंड सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैंने रिसेंटली वासे का इंटरव्यू किया अपने यूट्यूब चैनल पर पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा एंड वासे सेड के मैंने जब उमैर राना को परफॉर्म करते देखा स्टेज के ऊपर आई वॉज ब्लोन अवे एज लाइक यार ये होता है एक्टर सो so, आप, आपने नाम लिया तो मुझे thank you, you, thank you, thank you, pun intended. <laughs> 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 But जब ये लोग टीवी पे गए तो मुझे लगा कि यार हु विल होल्ड दिस फोर्ट ये जारी रखने क्योंकि नजर आया था ड्विंडल हो रहा है तो आई कैप फोर्ट फिर मैंने टीवी थोड़ा किया डबल डबल भी किया तीन बटा तीन वगैरह सारे सिटकॉम्स किए टाइम बड़ा जया हो रहा था मेरे लिए आई नहीं मजा नहीं आ रहा काम अच्छा नहीं हो रहा बट देन आई डेंट गो टू कर मानेगा सो जब मैं टी वी में वापस भी आया था वो इसीलिए था बिकॉज काशिफ ने प्लेस्ट इन कराची उन्हें कहा था uh, उलू बरा फरोख नहीं पे ही कॉट मी बैक इन टू टी वी सो दैट्स हाउ माई जर्नीटर ये था कि कुछ छोड़ के जाए यार कुछ 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 तो बीज डालें बच्चों को किसी तरह तो कुछ सिखाएं और फिर थिएटर प्रोडक्शन इतनी की और खास तौर पे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज यूथ के साथ किया एंड देन मेरा फाइनल एम्बेशन था कि किसी तरह करिकुलम में डाल दें पढ़ाया मैस कॉम केनेड बी एन यू फिर ओ लेवल्स ड्रामा जब इंट्रोड्यूस हुआ ना आई थिंक दैट वॉज क्योंकि ना एम नियरिंग वो वाली मोमेंट आ गई थी मेरे लिए

द ग्लोब परफॉर्म करने जा रहे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ओलंपिक्स के लिए लंदन में शेक्सपियर के प्लेस लेके वाहिद वाहिद हम एक वाहिद मुल्क थे जिसको हुकूमत ने मदद नहीं की थी बाकी सब जो रिप्रेजेंट कर हो रहे थे सबकी हुकूमत ने मदद किया था साउथ सूडान नया मुल्क बना था उनकी भी मदद हो गई थी फंड्स तो अ... कैसे रेज किए थे अपनी मदद आप एंड अगेन कश फाउंडेशन कश फाउंडेशन पी से चंद टिकट फ्री थोड़े से मिले थे हमें दैट्स इट बट बाकी सब उस फंड और वहां तीन खाती थी गोरी जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक रहा है अस क्यों है हमारी हकुमत, आर्ट्स के इतना मैं ये तो नहीं कहूंगा खिलाफ है लेकिन क्यों सपोर्ट नहीं करते आप एक्ट के trust, उसके भी आप एक रुकन है और found, members. Members है आप क्या प्रॉब्लम है को? नहीं यार आ, देख नहीं सकते ना जिस मुल्क में कल्चर ना रहे छोड़ के एग्रीकल्चर छोड़ के हॉर्टिकल्चर रह गया है, यू <laughs> नो you know, बस लेपाप होती है <laughs> <मैं चुकला। laughs> <laughs> it the क्या फर्क पड़ता है और मैंने हर तरह आर्टिकुलेट करने की कोशिश की है There's a business model to it. इसको आप न्यूमरेट करें लम्स ने बहुत जबरदस्त रिसर्च की थी बहुत पहले फिल्म इंडस्ट्री hmm. क्योंकि क्या होती है फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस वक्त नूनली की गवर्नमेंट थी शायद ओवर मैं सर्कुलेट करता रहा हूँ अभी भी मैं करता हूँ दूसरा um, it, मैं, मेरे बच्चे एज जैसे स्कूल्स के साथ बॉयज बैठे हुए हैं काम प्ले कर रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि यार हमारा कल्चर क्या है नॉट देर फॉल्ट We done हमने क्या प्रिजर्व किया hmm. था हमने hmm. you know? कहा और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने अगेन यूजिंग डिफरेंट लिंग्वेज डिपेंडिंग ऑडियंस कौन सी है हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे है सब ये कह रहे हैं कि जी मीडिया जनरेशन वॉरफेयरेशन वॉरफेयर के सोल्जर्स जो है उनको तो तैयार तो करो

आइस एल निदाइश ने अलेपो में किया राइट right? ये हर एक अपनी निशानियां तोड़ देता है ताकि आइडेंटिटी कोई रहे ना दिन फिर आप जो मर्जी आइडेंटिटी बनाए जापानीज जब सूट पहनना शुरू हो गए अंग्रेज ने क्यों किया सो दैट मोल्ड कर लें अपने लिए राइट सो यू हैव टू मेनटेन योर ओन आइडेंटिटी और ये कल्चरल वॉरफेयर में चलता है

नाकाम ही तो है खातिन राना मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत मजे मजे की तो बातें बता रहे हैं बड़े इंटेलेक्चुअल बातें भी बता रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इस वक्त ज्यादा एक वाइज इंसान में तब्दील होता जा रहा हूं कहीं बी बैक आफ्टर अट्रेक जी खतना मैं हूं हसन चौधरी आप देख रहे हैं द बिग पिक और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर राना उमर, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि व्हेन यू वर यंग, आपको सुसाइडल थॉट्स भी यस, yes, um, मैं इसलिए भी करता हूं ताकि ये नहीं कि ताकि ताकिज करूं लोगों को कि यार अगर मैं किया, हम भी कर सकते But on the contrary, मैं बैठा हुआ um, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टरी मोमेंट्स होते हैं हर एक जिंदगी में एम हु आई हुआ क्योंकि मेरे साथ अच्छी चीजें भी हुई और ये ऐसी चीजें भी हुई एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट आई चूज टू बी ग्रेटफुल टू दैट इट वॉज वेरी डार्क इट वेरी डार्क आई थिंक क्या ट्वींस में था मैं शायद और मुझे अम, अपनी सेल्फ वैल्यू वर्थ बहुत कम लग रही थी बहुत कम और मैं अपने ही सेल्फ वैल्यू जो है सेल्फ वर्थ जो है वो अपनी नजर से नहीं दूसरों की नज़र से देखता हूँ और वो दूसरे वो जो कि मेरे लिए इंतहाई अहम है और फिर चाइल्डहुड में भी ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे मैं नॉट सेइंग इन माय केस बट मिसाल के तौर पे आप अपने बड़े या पेरेंट्स को है ना कभी बुरा नहीं ठहरा सकते hmm. आप उनकी गलती जो है ना अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार मुझ में ही कोई खामी होगी कि मेरे बाप ने मुझे या मेरी माँ ने ठुकराया मेरे मामू मामूल एडमायर उन्होंने ठुकराया या कुछ खुदा न खस्ता किया है मुझे सो आई फेल्ट दैट अबाउट माई सेल्फ और मैंने जो हर एक इंसान को करता है शायद और करना चाहिए बाथरूम में जाके बंद होना और फिर मैंने वहां एक पोईम लिखी थी

कि मैं काफी हद तक किसी ना किसी लोगों से एम्पथाइज कर सकता हूं पहली बात तो यह है कि इंपल्सिव uh, मोमेंट्स जो है ना उसको क्रॉस करना होता है एवरी मोमेंट पास मेरा जो फिर अब मेरे झाती तौर पर ईमान uh, जो है वो तीन चीजों पर कोई भी चीज खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होती दूसरा खुदा कभी ना इंसाफी नहीं करता इन ट्रू सेंस ऑफ इट आई मीन ये है तो इंसाफ पे मबनी नहीं है दुनिया बट

और उसमें यही दिखाया था आई अपील टू थिंक अबाउट दिस कि आप एक स्टेटमेंट के तौर पे पे खाली नहीं होता एक बात लेकिन मैं आपकी कंटेस्ट करना चाहूंगा एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी साउंडिंग लाइक समबडी हु दिक्टम बट हम ऐसा क्यों है कि जब कोई इस तरह के फैसले को तकमील तक नहीं पहुंचा पाता तो हम कहते हैं oh, इस मामले को डील करने के लिए के so. है. Uh, और उसको वो किस तरह करते हैं मेरे नजदीक लोग कहते हैं कि सुसाइड बुजदलों का काम है आई आई थिंक नहीं यार ये या तो आपकी कैसी कैफियत होती है जिसमें ये चीजें मायने नहीं रखती यू कॉन्ट आइडेंटिफाइड मैं बहादुर बन रहा हूँ या बहादुर बन रही हूँ या मैं बुजुदल हूँ आप उस ना उस उस नजरिए से उस लेंस से देख ही नहीं सकते इट्स आवर लेंस हमारे लिए फिर वो इम्तिहान है कि हम उससे करें लेकिन ये होता है कि बहुत सारे लोग फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैं कुछ कर सकती थी उसको बचाने के लिए या मैं कुछ मैंने कुछ किया होगा उसको यहाँ तक लाने में आई hmm. थिंक वो एक अजियत उनके लिए होती जो रह जाते आई वुड नॉट वॉन्ट दैट बी ऑन समय आपने एक पोएम का जिक्र किया बचपन में काफी हद तक शायरी करते थे और शायरी से आपको बहुत लगाव था और आपने कहा कि कुछ ऐसे इमोशंस थे जिनके ऊपर आप शायरी करते थे लेकिन कभी आप उनकी डेप्थ में या डिटेल्स में नहीं गए आपने शेयर नहीं किया शेर को कौन शेयर <laughs> <laughs> <को> कर लें <laughs> नहीं मैंने हाँ मुड़ के देखता हूँ तो एक आधा मुझे लगता है लिखा था नॉट बैड ओके

अगर हमने जैसे पाकिस्तान और कल्चर की हम बात कर रहे थे बचाना होना तो जुबान से मोहब्बत करें यू हैव टू फॉलो लवर्ड्स यही मीडियम है सिखाने का सीखने का और यही मीडियम है कस्टोडियंस है of all forms of culture and entertainment, वो उसी से फिर आता है आप आर्टिकुलेट कर पाते मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल बातें ज़्यादा नहीं मिली ना ही मुझे वो होता है ना कि लोगों के बारे में मीन ट्वीट्स या मीन कमेंट्स होते हैं बंदा ढूंढ लेता है कहीं से तस्वीरों के नीचे जाके कि नहीं ये तो बंदा बाबा लग रहा है मैंने नहीं पसंद आ रहा नथिंग नथिंग एट ऑल महा सिवाय एक वाक्य के जो एल में एक पूरे ये सिचुएशन हुई जिसको आप काफ़ी बार एड्रेस कर भी चुके हैं ऑन रिकॉर्ड यू कॉल्ड इट रबिश ये जो एलिगेशन थे दैट यू मेड सर्टन स्टूडेंट्स फील अनकम्फर्टेबल दी ओनली रीजन आई एम ब्रिंगिंग इट आप नाउ इज बिकॉज जब मैंने इसके बारे में ढूंढना शुरू किया मुझे इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला कि इसका हुआ क्या क्योंकि अगर तो आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम सच साबित हो चुके होते तो आप यहाँ ना बैठे होते आप जेल में होते yeah. और आपके खिलाफ क्योंकि ये इल्जाम सच साबित नहीं हुए तब भी इट्स नॉट लाइक कि ये आपके माजी का हिस्सा बन गया एंड नो यू नो Uh, people still talk about it, and people still raise questions and point their fingers at you. is uh, It's actually uh, on a personal note. On my personal, jab, for me and my family. It's a very harsh, tough, and tragic experience that we've gone through. Or मजेदार कि लोग दुनिया जब देखती है ना तो वो मुझे देख रही होती है और वो समझती है कि मैं इस एपी सेंटर पर था बिल्कुल इस इस ऐसा नहीं था इफ एनी मेरे घर में एपी सेंटर मेरी बेगम बन गई थी और वो एक बहुत अगली चीज थी मेरे लिए और मैं जब हम सब इससे निकले हैं तो फिर मैं देख सका हूँ कि दुनिया का पहलू नजरिया क्या था पॉइंट ऑफ व्यू क्या था तो यार ये समझना कि मैं हूं इसका एपी सेंटर ये तो था ही नहीं कहानी तो कुछ और थी एंड दैट हैज कॉज अ लॉट ऑफ हार्म इन इमेज

इतना जरूर कहूंगा कि फॉर एनींस एंड चिल्ड्रेक लेके जाए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैं क्यों इस तरह कह रहा हूं लोगों को ये नहीं पता कि इसके रिपोर्ट I मीन mean, आप लोग यू मूव डाउन टू दीस्ट स्टोरी हाँ ये भी हुआ था इसके ऊपर यार कब हुआ था साल डेढ़ साल पहले

लेकिन बुनियाद जो है ना वो जस्टिस ही है अगर यहाँ नहीं हो रहा यानी कि हेरासमेंट हुई और उनको जस्टिस नहीं मिला इन जस्टिस अगर यहाँ गलत इल्जाम हुआ है, तो हक की बात सम नॉइसल मीडिया मुझे नहीं पता था मैं कराची था कमर्शल और बेगम का मुझे मैसेज आया मायरी कहती कुछ सोशल uh, मीडिया पे कुछ चल रहा है डिलीट करा था डिलीट ऑल ऊपर एक मैसेज नजर आया मुझे I, I तो जब ऋतिक रोशन की बच्ची के ऊपर कॉमेंट आया था वी नो वट देर लाइक हमने बस अशर नहीं किया बट वी नो वट इकट माई वाइफ इज रिसीव बट माई चिल्ड्रन रिसीव फर्स्ट हैंड

इनमें से एक जो लड़का है एक लालपुर का है और वहां का स्टोडियन स्टाफ था ऑल इज वॉज के वो जाके ना जो बंक करती थी या फी नहीं पे करती थी उनको जाके लेके आता था उसका नाम एक दफा है ही उस गरीब आदमी के ऊपर एफ आई आर कटी है आठ लोग उसके डिपेंडेंट्स हैं ही इज नॉट ऑफ द इस्लाम फेथ पीपल एव पॉइंटेड आउट दैट ही हैज विद मी एंड आर द मेरे नजदीक इफ यू वॉन्ट ट्रू जस्टिस

उन्होंने वो चीज सोशल मीडिया पे डाली पहले उसके नाम के साथ रिमूव की फिर नाम काटा तो मैंने उनसे राप्ता और मैंने इसको कहा आई डोंट नो यू लेकिन यू हैव वी कॉल द गोल्डन क्या एविडेंस एक मिसाल बनानी है एक मिसाल ये सब सीधे हो जाएंगे लेकिन मुझे पता है कितना मुश्किल है मैं यार हम मिडिल क्लास लोग हैं हमें पता है क्या होते हैं हमें नहीं पता अब तो लग पता क्या है तो मैंने कहा तुम आपके पीछे पूरी एक्ट खड़ी है नईन ताहिर साहब खड़े हैं तिकाओढ़ खड़ी हैं सब खड़े पुलिस विल टेक केयर मीडिया विल टेक केयर आप अम्मी अबू से आप अब बात करें हमसे बात करें लेट अस नो उसकी एक मैं सी थी, थी जो पहले काम किया था फ्रॉम द दूसर फैमिली उनको मैंने कहा कि प्लीज उसे कहो कि कर ले क्योंकि इस इस खबीज का मुझे पता चल गया है ये पहले भी करता है और इसको और शय मिलेगी और एक को ठीक करने का सब ठीक हो जाएगा hmm. एक को मिसाल एंड शी एक हफ्ता आई वॉज अनकम्फर्टेबल बिकॉज

ग्रेट पीपल टू वर्क विथ तो हम लोगों ने वर्क प्लेस हरासमेंट जेंडर बैलेंस इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है मेरी कॉलीग हैं आफिया बहुत उन्होंने भी काम मेरे साथ किया है पिंक नॉइज मेरा बेबी था वो वेमेंस डे पर हम करना चाह रहे थे एंड गॉड ब्लेस कैनेड कॉलेजाना डेविड एंड ड्रामा सर्कल तो हमारा एक थिएटर बेस्ड होता है अगस्टो तो वॉल अगर कोई गूगल करे तो उसका फोरम थियेटर उसको कहते हैं हमने फोरम थिएटर इस्तेमाल किया है जिसमें आई लव दैर फोन कि हम इस पोजीशन में नहीं आते कि हम आपको बताते हैं क्या गलत है आपको चीजें नजर आती है एवरी डे लाइफ का है और फिर आप उसको रोकेंगे और आप रिप्लेस करेंगे किसी को और आप एक ऑल्टरनेट प्रेजेंट करेंगे अगर ये किया जाए तो मसला हल हो जाए और हर एक ऑडियंस पार्टिसिपेट करती है तो किनेट कॉलेज के साथ हमने किया था और उनको मैंने यही कहा था कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि यंग गर्ल्स जो है एकेडेमिया में आप लोग जो है उनकी लाइफ के क्या क्या मेजर इश्यूज हैं यू नो करियर चॉइसेस लिमिटेशंस फ्रीडम नहीं मैंने कहा एक लेकिन शर्त है हमारी रिक्वायरमेंट है वो है हरासमेंट आपने जरूर कहा hmm. तो उसमें उन्होंने डाला था और क्या उमदा काम किया था उन्होंने इतना कमाल खेल बनाया था तो पिंक नॉइस के नाम से निकला था ख्वाहिश मेरी ये थी कि हम उसको और है अभी भी कि एक साल हमने कर लिया ना नाउ वी गेट अ गसर

आपकी अहलिया का आप बहुत जिक्र करते हैं अपने इंटरव्यू में वो भी आपका बड़ा जिक्र करती हैं आप लोग दोस्त थे शादी से पहले और बड़े पक्के और बड़े गहरे और फिर आपने और फिर बदल, <laughs> बदल लाई आपने हाँ, बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह बदल गई और अब जाके मेरे ख्याल से रिसेंट पास्ट हस्बैंड एंड वाइफ और हम अभी भी दोस्ती थे मतलब अब लड़ाइया हो रही है आपकी अब वो है ना रोप डाला जाता है अब तो 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 उनकी तरफ से आप पे मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा माशाल्लाह हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन 20 20 माशाल्लाह 20 इयर्स मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह एंड अगेन आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी एक ट्रेजेडी आप दोनों ने uh, विटनेस की एंड आपने उसके बारे में भी काफी आप डिटेल में बात कर चुके हैं व्हेन यू लॉस्ट योर ट्विन्स एंड इन ग्रेट डिटेल आपने बताया कि किस तरह से किन मुश्किल से और किस मुश्किल दौर से आप दोनों गुजरे मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि आप रिकाउंट करें वो सारी चीज़ें बट वट पुल्ड यू थ्रू बोथ ऑफ यू ओफ वेल थेरेपी हेल्प ये बहुत अच्छा मैसेज है प्लीज आप, आप आप बताएं लोगों को इनक्रेज करें uh, मैं प्लीज़ याद रखें कि uh, मैं नंबर्स ही बात करूँ एटी परसेंट जो एलिमेंट्स हैं वो फिजिकल नहीं होती वो मेंटल होती हैं तो अगर, अगर मुझे चीची में मसला हो गया तो मैं उसके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो अगर इसका मसला है जो कितना कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज उसके स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाए तो थेरेपी है uh, uh, मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्लोजर मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे रहा हूँ क्योंकि आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी डार्क मोरबेड बात करने लगा हूँ लेकिन मुझे बाद में उसी अस्पताल में एक यंग मैन मिला कैरिंग uh, चाइल्ड uh, जो कि ऑब्वियसली वो स्टिल बॉन्ड तो मैं भागा उसके पीछे आई रैम इन टू द पार्किंग लॉट गाड़ी में बैठा है और मैंने uh, पहले तो जिस तरह भी सोच किया किया लेकिन मैंने उसे एक चीज हाथ जोड़ के बैक की थी कि इसका चेहरा इसकी माँ को जुला देगा लेटर होल्ड द चाइल्ड बात करे वक्त गुजारे उसके बाल सूखे बाल रख ले क्योंकि ये चीजें हमें किसी ने नहीं बताई अरे बड़ी मैं डार्क बात कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ इट हेल्प्स फिर मुझे इतनी चीजें समझ भी आई कि जो बार बार जिक्र करना कि जी क्या हुआ क्यों हुआ, वो, वो कहते ना चेजा वाली गल नहीं इट इज इज अपने हाथ से दफन करना इट्स इट तो आई बिलीव इन दिस की खातिन को भी जाना चाहिए मर्द खातन कोई भी हो बशर्ते कि आप वहां तमाशा ना करें

तो मेरे जब ये एपिसोड हुआ और उस वक्त बहुत सारे लोग किसी काफी लोगों को नहीं पता था ये तो हम एक ड्रामा कर रहे थे और उसमें आ, दो साल की औरत और उसमें ये मेरा किरदार जाता है समिया मुमताज को छोड़ के फिर वापस आता है बुढ़ापे में बेटी पैदा हो रही होती तो ये छोड़ जाता है उसको और वो हो जाती है चलो फिर वो चला जाता है जब वो वापस आता है तो नूर नूर हसन कैरेक्टर कहता है हाउस चलते हैं बेगम के पास लेकिन रास्ते में कहीं रुकना है रास्ते में रुकने का कहाँ रुक गए कब्रिस्तान है

And all the prayers के ये मे अला मेक इट इजी फॉर यूकोर्स ये ऐसा लॉस है जैसे आप कह रहे हैं कि यू कॉन्ट मूव ऑन फ्रॉम इट यू ओनली है आप देख रहे हैं द बिग पिक मैं हूं हसन चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं उमेर राणा राना, राना साहब राणा साहब तो ये जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री इसके बारे में आप हमें क्या इन साइड दे सकते हैं लोगों को बड़ा शौक होता है मुझे तो इतना नहीं है <laughs> एक हमारे डायरेक्टर साहब को है जिनकी पूरी उम्र गुजर गई है इस इंडस्ट्री में फिर भी फिर भी पूछवाते हैं मेरे से कहते शायद अगला बंदा आया कोई नवी गालते हालांकि मतलब अंदर दी गल

मैं 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 ये ये मैं ये उस तो भी नहीं सी। वो मैं तो, को नहीं मैं की। कह रहे सी कह कि कि मतलब जो जो है है जैसे चमचमाती दुनिया है, showbiz की यहाँ पे लोग असल में आ, वैसे नहीं होते जैसे दिखते देखे आई सेवरी वन एंड बिकॉज क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी काम किया हुआ like uh, है ना

स यू मस्ट फील रिस्ट्रेन एंड रिस्ट्रिक्टेड के यार के मतलब ऑपरचुनिटीज ही नहीं है एंड फिर ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे थे किचन भी चलाना है रोटी भी खानी है इट इज टफ तो ये इन सिचुएशन लाइक ऑब्वियसली ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है आपका जिसमें आप जा रहे हैं और एक्टिवली सीख कर रहे हैं ठीक है आपने मुस्तफ़ा भाई को एक तो कॉल कर लिया आपने और एक मौका मिल गया बट ऐसा नहीं है कि आप हर कैरेक्टर के लिए हर ड्रामे के लिए आप लिए काम तो ये कैसे फिर? Of course, uh, देने वाली तो अल्लाह की जात है इंसान कुछ ना कुछ मेहनत तो करता है बट ऊर्जू सेक्टर एक प्रोफेशन एक पे एक्टिंग खाली के ऊपर पाकिस्तान में जिंदा रह सकता है नॉट इजी नो नॉट इजीली अगर लोग मुझे

इसलिए आई पीपल के गो इन ओपन चमचमाती है कि ये सब हो जाएगा। जरूरी नहीं। हाँ। और जैसे मैंने ये दिहाड़ी दार्लाजे हाँ, तो नहीं बनाएंगे लेकिन कुछ सांस आ जाएगा कि आप तीन प्रोजेक्ट इकट्ठे नहीं करेंगे आप एक वक्त में एक करेंगे और फिर उसको अच्छी तरह करेंगे यू नो निभागे फिर आपको पता है कि तसली बख्श काम हुआ है वहां से कुछ ना कुछ आता रहेगा अच्छा हमारा एक बड़ा मजे का एक शुगल सा हम करते हैं अपने गैस के साथ हम ना उन्हीं के इंस्टा पे जाते हैं उन्होंने तस्वीर कटने उन्होंने कमेंट फिर दसीए दिखाइए जी चलाएं जी पहली तस्वीर ये देखें जी ये हैं मस्तान सिंह साहब एक ड्रामा आ रहा है आजकल संगे माँ और बड़ा इन्होंने शानदार उसमें रोल निभाया मैं आपकी अटेंशन इन कॉमेंट्स की तरफ डाइवर्ट करना चाहूंगा हो सकता है आपकी नज़र से गुजरे हो अनित ट्वेंटी नाइन

ए वी नूर पाए सत श्रीकाल जी बहुत बहुत वधाइया एक्टिंग एंड कमांड ऑन डायलॉग्स पर एक गल सब तो इंपोर्टेंट गल वो क्या है थैंक यू दाढ़ी के नाल नाल सर दे केश भी वधाण ले दैट्स द साइन ऑफ अ हंबल एक्टर बहुत तरक्कियां बाबा जी दी बख्शा वाहे गुरु एक्चुअली <laughs> यस uh, yes, मैं जैसे yes, मैंने कहा सिखी फेथ के अंदर भी मैं बहुत घुसा चले मैं रिवील करता हूँ काफी लोग कर दो <laughs> काफी लोगों को शायद किसी को भी नहीं पता होगा मेरे परदादा का नाम नहीं नहीं एक सेकंड ऐसी गल नहीं you know है ताड़े दादा जी जिड़े सन उन्होंने तालुक से गुरदासपुर इंडिया दे नाल ते दे दे ही एक्चुअली माइग्रेटेड फ्रॉम डेरा बाबा नानक दैट्स राइट दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन बट माय परदादा मेरे दादा जो थे खैरदीन राणा उनके वालिद साहब जो गु, गुरदासपुर में थे डेरा बाबा नानक की तरफ ही उनका नाम था बाबा नानक अच्छा उनको बाबा नानक कहते थे जस्ट टू शो यू कि वो की no अच्छा। दसा कि मैं खाली केश भी नहीं बदाये मैं हर दफा अंदर कंगा पहनता था अच्छा हर दफा और मैंने किरपान भी पहना रखा है अच्छा। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि जब मैंने किरपान पहना हो या केश बड़े और

वो नजर आ रहा है ना अब ये मैंने खुद नहीं बनाए कमेंट्स कॉमेंट ये सिख बरदरी से हमारे आपको कमेंट्स आ रहे हैं एंड गॉड ब्लेस देम शायद वो मुझे पता नहीं किस मुल्क से उनका ताल्लुक है them, think, India, think, और वो, वो उनकी ऑब्जर्वेशन है अगर वो खुद आपको इस बात के लिए अप्रीशियट कर रहे हैं तो sure. अच्छा ये ये हो? ये ये कॉमेंट मेरा बड़ा एक पसंदीदा कॉमेंट है अबंती फारूक

रोज इन माई ओपिनियन और समझ जाए ना कितनी कि जिम्मेदारी है हमारी तो हम और हल करें अपनी और मैंने एक दो मेल्स मुझ तक पहुंचे जो जंग के थ्रू आए थे

you seek help and maintain hmm. help hmm. you know you need to do that uh, but lots of people touched touched me when i touched them through this character hmm. so it was impactful for me ye main maine ab jaise main aapko pehle keh raha tha controversy to mujhe phir bhi mil gayi ek ad koi trolls nahi mile mujhe aapke post ke upar yo hum bhi wajah to delete to nahi kar dinde enda mela bhi nahi ga aur main delete kar hi jaunga fir ki chakkar hai i don't know

So, ये जो था था मेरा पहला था, और मैं एक, एक प्रोग्राम में किया था और उसमें किसी ने कहा सलाला के बीच पे तूफान आया था तो मैं वहाँ खड़ा था तो जलाल रूमी उसने तस्वीर खींची थी एंड आई ट्रीट किया तो किसी ने लिखा ये हराम है ठीक है इट्स देयर ओपिनियन एंड लखीन आई आईटली रिस्पेक्ट अनलेस जब ठूसते हैं दूसरों के ऊपर आईरोनिकली वो मैंने वेस को कहा था, कि यार, जब मैंने था way, जब मैं नूर चढ़ा था एंड आई वॉज मूव माइबर ईमान का एक हिस्सा बन गया था तो मैंने इकरा फिर टैटू करवाया था कर. माशाला आपकी एक ये स्पिरिचुअल Unless they've seen my travelogues, logs, jo, ke, Ramzan transmission, etc., Chan long ko, uska, phir, zurur, pata, and then they connect. But yeah, there's—I I would like to. Yeah, there's more to me. Spirituality, spirituality. is important. It's crucial. It keeps you wo, sane. Ho, uh, and again, I respect that. Whatever uh, spirituality is essential for a human soul. It is essential. It keeps, you yeah, yeah. It keeps you sane. keeps you Keeps you human. तो फिर ट्रोल जो है फिर आते नहीं आप ए ये तो आपने बड़ा एक आम सी बात बता दी नहीं कि तो पे I, please, <laughs> है ये थैंक यू सो मच इन सच दिस चैट विद यू और आपसे बात करके वाकई ऐसा लगता है कि दिमाग थोड़ा सा और खुल गया तो आप मिलते रहा करें आप काम करते रहें Uh, ये मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है कि आप जो भी कैरेक्टर्स टेक ऑन करें आगे चलते हुए भी वो इसी तरह अपना इम्पैक्ट ऑडियंसिस के ऊपर हम सब के ऊपर छोड़ते रहे विश यू ऑल द वे बेस्ट एंड इन शह सी यू सू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन दिस वॉज मिस्टर उमैर राना आई होप कि जितना मुझे मज़ा आया उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए उससे दो गुना ज़्यादा मज़ा आपको आया होगा अगले हफ़्ते आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे शो का नाम है द बिग पिक मेरा नाम है हसन चौधरी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें पट्टी वट्टी चलाएं भाई टीम वाले यहाँ पे ताकि मेरे को फॉलोअर्स बढ़े और हमारे चैनल को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें अगले हफ़्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा खुदाफि